अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और इसी उम्मीद से हम आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो अभी आपका भाई जा रहा है जी बिस्की क्लास लेने के लिए। और आज जो है मैंने काफ़ी अरसे बाद जो है ना रखी है पानी बोतल बैग में, क्योंकि रमज़ान में जाहिर सी बात है रोज़ा रखा होता है तो पानी बोतल रखते नहीं थे, तो आज रखी है मैंने। तो पहले मैं सोचा था कि रोज़ा है, लेकिन ऐसे इंसान के बहम में होता है ना कि भाई रोज़ा रखा हुआ है, फिर याद आया कि रमज़ान ख़त्म हो गया। तो वो खड़ा है जी मशरूत का हमारा, आज जो मशरूत का बिल्कुल खा लिया। अब एक आंटी आई है, फिर फाइनली बिशीक में आ गया हूँ। और जब गया था काम से तब थी टिका की गर्मी, लेकिन अब शुक्र है कि बादल वगैरह आए हैं और हवा चल रही है तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, देख सकते हैं। अब ये जो है ये एक शॉर्टकट है, और इस गली को ना हम लोगों ने कहते हैं टिका के लताड़ा है, क्योंकि हम जब भी आते रहते थे ना इसी गली के थ्रू आते जाते थे। हालांकि कोई इतनी अच्छी गली नहीं है, टूटी फूटी ही है, और जब सर्दियां थी तो बर्फ़ का जो बर्फ़ से निकलती थी उसका पानी भी इधर खड़ा होता था, लेकिन फिर भी हम इसे जाया करते थे सिर्फ टाइम बचाने के लिए। ये है गली, फाइनली मैं पहुँच गया हूँ और इस स्पेस में तक हमारी क्लास है। अब क्लास ढूंढते हैं अपनी, तो क्लास में आ गया हूँ और स्पॉटर जो है मेरे पढ़ने पे लगे हुए हैं। सर एक क्लास हो गई हमारी और हम बढ़ के चिल वगैरह मार रहे हैं। कल हमारा जो है मॉड्यूल भी है तो उसका टाइम भी आ गया। तो यार क्लास हो गई ख़त्म और टाइम हो रहा है स्ट्रीम 5:40। और ये मौसम चेक करें आप, कितना प्यारा मौसम हुआ है, लग ही नहीं रहा कि दोपहर हो गर्मी थी। तो अभी मैं जा रहा हूँ जाने वाली सेंटर बिश्कीक के, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा काम, क्योंकि जो मेरा मोबाइल है ना उसका एक स्पीकर जो है ना वो सही से काम नहीं कर रहा, तो वो दिखाना है मैंने, तो वो चल के दिखाते हैं अभी। उस जगह पे जो है ना जब हम लोग कान से बिश्कीक आते तो हमें छोड़ता है मशरूत का, और अब उसके पास जो है ना बिल्डिंग वगैरह बन रही है तो वो जगह जो है वो बंद की हुई है। और ये है जी पोर्च तरह का एक एरिया है बिश्कीक का, ये इम्पीरियल है, यहाँ पर मतलब रेजिडेंट्स वगैरह लोगों की फ़्लैट्स वगैरह होते हैं। एक दफ़ा ना मैं ढूंढ रहा था इम्पीरियल कैफ़े तो मैं यहाँ पर आ गया था गूगल मैप्स के थ्रू, हालांकि यहाँ पर वो नहीं है, ये इम्पीरियल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स वगैरह है। और वहाँ सामने है जी विक्ट्री स्क्वायर, और मौसम जो है ना वो बहुत ही कमाल है, दिल करता है बंदा सारा दिन यहीं फिरता रहे। अभी जो विक्ट्री स्क्वायर पहुँचाऊँ मैं, और यहाँ पर आकर मैंने एक चीज़ नोटिस की है, इससे पहले मैंने कभी नोटिस नहीं किए थे, वो मैंने इस बार नोटिस किया है। और वो है जी ये इन्होंने क्यारियाँ बनाई हुई हैं फ्लावर्स के साथ ना, और ये लिखा हुआ है जी 194 और वो लिखा हुआ है 5, क्योंकि विक्ट्री स्क्वायर बनाया 1945 में गया था तो इसलिए उन्होंने ना 1945 लिखा हुआ है ऐसे करके। तो ये इससे पहले मैंने कभी नोटिस नहीं की थी, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम नोटिस किया यहाँ पर। तो अभी जो है ना भूख बड़ी ज़ोर से लगी हुई है, पहले मोबाइल का काम करा लें और पहले, तो फिर उसके बाद जो है ना कोई बर्गर वगैरह ले खाते हैं, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ते में कसड खाया था और फिर उसके बाद बिस्की खा गया, अब जो है भूख भी टिका के लग रही है। तो पहले मोबाइल ठीक करा देते हैं उसके बाद जी हमला करते हैं खाने पर। और सामने पहाड़ चेक कर रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। वैसे किर्गिस्तान के अंदर ना ज़्यादातर लोगों के पास गाड़ियाँ होती हैं, बाइक्स का तो नामो निशान नहीं होता। अगर किसी बंदे के पास गलती से हैवी बाइक वगैरह आ जाए तो वो बंदा इंतहा का शोखा होता है। अभी वैसा शौक इंसान यहाँ से गुजरा है। अभी तो सोम सेंटर में आ गया हूँ, तो ये सारी मोबाइल मार्केट, हमने जाना है जी बेसमेंट में क्योंकि रिपेयरिंग वाले वहीं बैठे हुए हैं। और ये है जी बेसमेंट, देखिए सारी जो है ना मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह की शॉप्स हैं यहाँ पर। तो यार काम जो है वो नहीं बना, क्योंकि जिसको फ़ोन दिखाना था ना वो यहाँ पर था नहीं, तो जब वो आएगा तो उसको दिखाएंगे फ़ोन हम। अब चलते हैं कुछ खाते पीते हैं। तो अभी मैं ग्लोबस पे, यहाँ से पकड़ते हैं हम सैंडविच वगैरह और साथ पकड़ेंगे जी जूस या कोक वगैरह, तो वो लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से सैंडविच वगैरह पकड़े और यहाँ से पकड़ लेते हैं जी कोक और फिर चलते हैं। तो सामान वगैरह ले लिए खाने पीने का, और अब मैं आया जी यहाँ पर, यहाँ पर बैठते हैं और
खाना शाना खाते हैं। यार जगह जो है कोई नहीं मिली बैठने की, तो अब यहीं बैठते हैं फवारे के पास और यहीं बैठे खाते हैं। ये खूबसूरत सा माहौल है यहाँ पर, और साथ ठंडी ठंडी कोक। यहाँ पर जो है ना कुछ जहाज भी फिर रहे होते, तो उनसे बच करना पड़ता है आपको। अभी एक नशा ही आया था वो हटा कटा, बस किसी लोग होती ना मांगनी ज़्यादा, तो वो सीन था। उसके अलावा दो तीन बच्चे हैं फिर ये मांगने वाले, वो जान ही नहीं छोड़ती। ऐसे सीन यहाँ का बहुत कमाल है। ये है सोम सेंटर, और वहाँ पर सारे ब्रांड्स वगैरह की शॉप कैफेटेरिया वगैरह बने हुए हैं, और उसी के सामने है जी गोम सेंटर। अभी जो है खाना वगैरह खाया, और अभी मैं इधर गोल्ड मार्केट बनी हुई यहाँ पर, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ मैं। ये सारी जो है इधर गोल्ड वगैरह की शॉप्स हैं, और लोग जो है यहाँ पर फ्रॉड वगैरह भी कर लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान से जो है ना यहाँ पर आना पड़ता है। ये सारी गोल्ड मार्केट बनी हुई यहाँ पर, सारी शॉप्स पर गोल्ड की। ये साथ ही जो है आइसक्रीम वाली शॉप भी है, तो यहाँ से हम कौन आइसक्रीम खाते हैं। बारिश भी शुरू हो गई है, और साथ साथ आइसक्रीम। जिस काम के लिए आया था वो काम तो हुआ नहीं, खा भी मैंने पूरा लिया यहाँ पर आके। तो अब बारिश शुरू हो गई है, इससे पहले कि आपका भाई गीला हो जाए, हम चलते हैं जी मशहूर का स्टॉप, वहाँ से करते जी मशहूर का, चलते हैं ऑफिस का। कल जो है मेरा मॉड्यूल भी है, और मैं यहाँ पर जो इंजॉय करता फिर रहा हूँ बिश्केक में, उसको चेक करें। ये है वो जगह जो बन रही है, और वहाँ खड़ा होता है जी मशरूत का, तो मशरूत का लेते हैं। पहले मशरूत का उस रोड पे खड़ता था, मतलब उस साइड पे खड़ता था, अब ये इस साइड पे खड़ा हुआ है उस साइड। और मेरे पहुँचने से पहले ही ना मशरूत का जो है फिल हो गया, तो हम वेट करते हैं दूसरे मशरूत का, जैसे ही होएगा फिर हम चलेंगे। हवा बहुत तेज चल रही है, चेक कर सकते हैं आप सीन्स। तो फाइनली दूसरा मशरूत का आ चुका है, और अभी वाला चला जाएगा वापस। तो यार कांत में आ गया हूँ, और इस टाइम जो है 8 बज रहे हैं, 6:30 बजे तक वहाँ चला था मैं बिश्केक से, और इस टाइम 8 बज रहे हैं, और अंधेरा हो चुका है, तकरीबन होने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। तो यार मैं घर आ गया था, और अब खाते हैं जी रोटी। रोटी में हमारे पास आ चुकी चने की दाल। तो यार रात को मैं ब्लॉग करना भूल गया था, तो इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं। उम्मीद है वो ब्लॉग पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।